वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत दूसरे रोज भी सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ऑनलाइन इजलास हुआ। इजलास में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के हवाले से बताते हुए कहा, आज वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक के सदर ने हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराई है। शहबाज शरीफ ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। दवाओं और बच्चों की खुराक की किल्लत है। फौज और इदारों ने मुतासरीन सैलाब के लिए बेहतरीन काम किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान की मदद करने पर जोर कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ रही है, दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वामे मुत्तहिदे की जनरल असेंबली के अजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब के बाइस ज़ेरे आब है और पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की मदद की ज़रूरत है। अक़वामे मुत्तहिदा की सफीर एंजेलिना जूली का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई दुनिया को उसका अंदाज़ा ही नहीं। एंजेलिना जूली ने नेशनल फील्ड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू करते हुए कहा, आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बच्चे बचने वाले भी नहीं बचेंगे। मैंने ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, तिब्बी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। दुनिया को जागना चाहिए। एंजेलिना जूली ने बदतरीन तबाही, आवाम की मुश्किलात और पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन की हकीकी मंजर पेश कशी की। उन्होंने कहा कि जिंदगी व मौत की कश्मकश में मुब्तिला इन इंसानों में बेशुमार बच्चे भी शामिल हैं। वफाकी दारुलहुकूमत में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू की मजीद 96 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक देहात में केसेस की तादाद 53 जबकि शहरी इलाकों में 43 है। रवा सीज़न में भी देही इलाकों में 1007 जबकि शहरी इलाके 650 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पिम्स अस्पताल में 23, पॉली क्लिनिक में 3, हॉली फैमिली अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज दाखिल हुए। निजी लेबॉरेटरीज से 51 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 6 अफराद डेंगू से जा भाग हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज शाम नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इंग्लैंड को इस सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की ने कामयाबी हासिल की जबकि ग्रीन शर्ट्स के बॉलर्स 159 रन का हदफ बचाने में नाकाम रहे। मेहमान टीम के एलेक्स हेल्स और हैरी ब्रुक्स के सामने बॉलर्स बेदबस दिखाई दिए। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो वर्ल्ड कप से पहले मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते हैं, लिहाजा दूसरे T20 के लिए टीम में 1-2 तब्दीलियां भी की जा सकती हैं।